अमृता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू तेल से ही मिलेगा यही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गाँव की विराट नगरी पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। उसकी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं आपको हम दिखा रहे हैं। वार्ड के आगे उनकी चुनावी जनसभा होना है, जहां पर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं आई इंडिया आपको लगातार दिखा रही है। आपको दिखा दें कि यहां पर 130 बाई 130 में हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 हेलीकॉप्टर उतरेंगे। 3 हेलीकॉप्टरों के साथ में वो आएंगे 5 मई को और यहाँ पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ में आपको ये भी बता दें कि बगल में एक और हेलीपैड 200-300 मीटर दूर बन रहा है, जिस पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उतरेंगे, वो अलग उनका जो है हेलीपैड बन रहा है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि जो तैयारी जिस हिसाब से चल रही है, यहाँ पर 4-5 दिनों से प्रशासन तैयारी कर रहा है। आज जो है एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करा के देखा गया है, यहाँ पर उसका निरीक्षण किया जा रहा है और एक हेलीकॉप्टर आपके सामने उतरा है, वो आप लोग देख रहे हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि इतने बड़े ग्राउंड में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर उतरेंगे और बहुत बड़ी जो है दूरी को जो है अडॉप्ट किया गया है कार्यक्रम कराने के लिए। साथ ही आपको ये भी बताएं कि सामने आपको मंच भी दिखाई पड़ रहा है, अभी वहाँ ले चलकर आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे हम कि वहाँ भी क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। आपको बताएं कि इस थौरारा लोकसभा की हर गाँव विधानसभा में नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं, या ये कह लीजिए कि शायद देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है नरेंद्र मोदी के रूप में। आपको ये भी बताएं कि बड़ी जनसभा, विराट जनसभा को वो संबोधित करेंगे, जिसमें सीतापुर, धौरहरा और लखीमपुर के 3 प्रत्याशी यहाँ रहेंगे। सीतापुर से राजेश वर्मा और धौरहरा से रेखा वर्मा और लखीमपुर से जो है अजय मिश्रा टेनी, 3 लोकसभाओं को यहाँ से साधने का प्रयास करेंगे नरेंद्र मोदी। और भारी जनसंख्या में यहाँ आने की लोगों की उम्मीद है। जिस हिसाब से यहाँ की तैयारियाँ चल रही हैं वो आपको बता दें कि आज जो है ये सर्विस ट्रायल हुआ है, यहाँ पर सेना का हेलीकॉप्टर जो है उतारा गया है। 3 हेलीकॉप्टरों से नरेंद्र मोदी 5 मई को यहाँ पर उतरेंगे और एक चुनावी जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर जो है लैंड हुआ, सर्विस हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री की जो आएंगे 5 मई को, उसके लिए हेलीकॉप्टर कैसे लैंड हुआ यह भी आपको हमने दिखाया है। अब हम आए हैं यहाँ पर जो वहाँ से 200 मीटर दूर जहाँ पर मोदी जी की जनसभा होना है, आपको वहाँ दिखा रहे हैं हम कि देखिए किस तरीके से पंडाल लगा हुआ है। ये जो पंडाल लगा हुआ है वो 1,00,000 स्क्वायर फुट में पंडाल लगा हुआ है और आपको बता दें कि बहुत बड़ा मंच बना हुआ है, जो लगभग लगभग मान के चलिए कि
बहुत बड़ा मंच है और साथ में 1,00,000 स्क्वायर फिट जिसमें 1,00,000 स्क्वायर फिट का पंडाल लगा हुआ है और पीछे भी लगभग जो खाली जगह पड़ी हुई है जिसमें लोग खड़े हो सकते हैं वो भी 1,00,000 स्क्वायर फिट जगह है। आपको बताएं कि यहाँ पर जो है तैयारियाँ जोरों पर हैं, मोदी जी का कैंप कार्यालय भी यहाँ बन रहा है और जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं सुरक्षा की दृष्टि से वो सब की जा रही हैं। और आपको बता दें कि प्रशासनिक अमला बराबर जो है यहाँ पर आने जाने का कार्य कर रहा है। आपको बताएं कि जैसी कि जानकारी है कि 1,00,000 स्क्वायर फुट में इनका पंडाल 3 तरफ से लगा हुआ है। जो बीच वाला पंडाल है वहाँ से मोदी जी जो है वहाँ मोदी जी का मंच बना हुआ है, वहाँ से मोदी जी जो है जनसभा को संबोधित करें। ये अगल बगल में भी 2 पंडाल लगे हुए हैं। शेष इन पंडालों के पीछे लगभग जो है 1,00,000 स्क्वायर फुट की जगह पड़ी हुई है। इस तरीके से लोगों का अनुमान है कि 1,00,000 लोग इस जनसभा में आ सकते हैं और मोदी जी को सुन सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि 2 तरफ से जो है रास्ता भी है, एक सीतापुर लखीमपुर मार्ग से यहाँ तक जनसभा तक आने का रास्ता है और एक लहरपुर रोड से सुरजी पारा होते हुए डिस्टलरी के पास से भी आने का रास्ता है। आपको बराबर जनसभा की अपडेट, जनसभा के पहले की और बाद की अपडेट बराबर आई इंडिया देता रहेगा। फिलहाल आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।